बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन जिसका नाम है मोशन, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको इस टॉपिक को, इनफैक्ट पूरे चैप्टर को, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी इस वीडियो में पूरे चैप्टर को इंक्लूड कर लूं। देखते हैं कि पूरा चैप्टर आपको इंक्लूड हो पाता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं दूसरा वीडियो भी उसके आगे का बनाऊंगा। तो चलो बच्चों, ये चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? जनरली ये दिमाग में क्वेश्चन हर किसी के आता है कि व्हाट इज मोशन। तो मैं इसको आपको बहुत डीपली समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो बच्चों, मैं कहूं ये जो डस्टर है ये यहां पर रखा हुआ है, ये यहां पर रखा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि ये इस वक्त रेस्ट में है। नहीं, ये इस वक्त रेस्ट में नहीं है, ये इस वक्त मोशन में है। कैसे मोशन में है? क्योंकि ये कहां पे रखा हुआ है? व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड कहां पर है? दीवाल पर। दीवाल कहां पर है? अर्थ पर। तो अर्थ कहां पर है? अर्थ पर। और अर्थ क्या कर रही है? सन के चारों तरफ घूम रही है। इसका मतलब ये डस्टर भी घूम रहा है। तो इनफैक्ट कोई भी चीज रेस्ट में नहीं होती है, हर चीज मोशन में होती है, क्योंकि हर चीज अर्थ पर है और अर्थ इटसेल्फ मोशन कर रही है। ओके बच्चों, तो फिर मोशन को डिफाइन किया जाता है। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट या एनीथिंग चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट्स सेट टू बी इन मोशन। यदि कोई वस्तु टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है, दैट बॉडी इज इन मोशन। ओके बच्चों, तो मोशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। इन सब की मैं डेफिनेशन व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं ओनली आपको एक्सप्लेन करूंगा, और डेफिनेशन के लिए आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में या सिंपल कॉपी की फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके उस डेफिनेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन। अभी मोशन कितने टाइप का होता है? ओके, तो नाउ सी, अभी हमने मोशन देखा। तो जब मैं एक रोड पर खड़ा होता हूं और रोड पर जब देख रहा होता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि एक गाड़ी सीधी जा रही है। ओके, फिर मैं देखता हूं कि बच्चा जब खेल रहा होता है तो बच्चा सीधा ना भाग के गोल चक्कर में घूम रहा होता है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं घड़ी को देखता हूं, घड़ी के पेंडुलम को देखता हूं, तो घड़ी का पेंडुलम इस तरीके से मोशन कर रहा होता है। तो मोशन को फिर आगे जाके डिवाइड किया गया और यह देखा गया कि कई सारे टाइप्स मोशन के हम बता सकते हैं। आपके नाइन्थ में ओनली आपको तीन टाइप समझने हैं, और वो तीन टाइप कौन से हैं? पहला टाइप है लीनियर मोशन। कौन सा मोशन बच्चों? लीनियर मोशन। दूसरा टाइप है बच्चों सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और तीसरा टाइप है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, तो पहला टाइप लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है बच्चों? लीनियर मोशन होता है जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चले, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? जब भी कोई बॉडी सर्कल में चले, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक
के इधर उधर मोशन करे लाइक दिस. ये एक पॉइंट है, इसके इधर गया, इधर आया वापस, फिर इधर गया, इधर आया वापस. तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन. कौन सा मोशन बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन. तो ऐसे करके हमने तीन टाइप बनाए मोशन के. इसके अलावा और भी ढेर सारे टाइप होते हैं जो आप 11th में जाकर पढ़ेंगे. 9th में आपके सिलेबस में ओनली इतने ही मोशन है. इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है बच्चों कि पहले इन सबको आप पॉज करें, पॉज करके इन सबको आप देखें. इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो अच्छे से देखें पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, इनको आप रोमन मान सकते हो. और नंबर थ्री पर आता है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट. ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेरी सिंपल, जब भी कोई बॉडी के कोई डायमेंशन ना हो. डायमेंशन क्या होती है? लेंथ. जैसे ये मेरे पास डस्टर है, इस डस्टर की ये क्या है? लेंथ. ये क्या है? ब्रेथ. ये क्या है? मोटाई, हाइट. हिंदी में बोलूं तो मैं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई. तो इसकी कितनी डायमेंशन है? तीन. इसलिए इसको बोलते हैं 3D. व्हाट इज इट कॉल्ड? 3D. ओके बच्चों. लेकिन अगर मैं बात करूं कि दुनिया में एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी है जिसकी तीनों डायमेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मास है. मास मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. मास मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ओके बच्चों, तो फिर से सुने, दुनिया में एक ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसका मास तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ना तो लंबाई है, ना मोटाई है, ना चौड़ाई है. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. रियल में, रियलिटी में ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बट हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट है. जैसे अगर कोई ट्रेन चल रही है रेलवे स्टेशन पे और उसको मैं बहुत दूर से आसमान से देखूं, तो मुझे वो कैसी दिखाई देगी? ट्रेन लंबी दिखाई देगी या पॉइंट के बराबर दिखाई देगी? हाँ, पॉइंट के बराबर. तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. अगला आपका टॉपिक है बच्चों, मैं समझता हूं ये तीनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगला टॉपिक है बच्चों आपका रेस्ट. क्या है बच्चों अगला टॉपिक आपका? रेस्ट. मैं इसको ऊपर लिखूंगा, ठीक है. अगला टॉपिक है बच्चों आपका रेस्ट. तो ध्यान से देखें रेस्ट क्या होता है. इसको कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसको कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं. तो इसको समझने के लिए आप अच्छे से देखें क्या होता है रेस्ट. देखें और बहुत अच्छे से इसको समझें, काफी मजा आएगा आपको. अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि ये डस्टर यहां पे रखा हुआ है, ये किस में है? आप बोलेंगे रेस्ट में. नो, ये रेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये दीवाल पर रखा हुआ है, दीवाल अर्थ पर है और अर्थ घूम रही है. तो दुनिया की कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है. तो फिर हम रेस्ट को डिफाइन कैसे करें, रेस्ट को परिभाषित कैसे करें? तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक वर्ड निकाला, विद रेस्पेक्ट टू. क्या निकाला बच्चों? विद रेस्पेक्ट टू. ओके बच्चों, ध्यान से सुने. मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं अगर ये डस्टर इस हिस्से के, इस व्हाइट वुड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये किस में है? रेस्ट में. फिर से सुने, अगर ये डस्टर, ये डस्टर यहां पे रखा हुआ है और ऊपर ये लाइट जल रही है, एलईडी लाइट, एलईडी लाइट के रिलेटिव में, एलईडी लाइट के रेस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये किस में है? रेस्ट में. तो बच्चों रेस्ट में किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हमको हमेशा कितनी चीजें लेनी पड़ती हैं? एक या एक से ज्यादा? यस, एक से ज्यादा. तो आई होप कि आपको रेस्ट क्लियर हो गया होगा. तो रेस्ट डिफाइन करने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, विद रेस्पेक्ट टू, या विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. ओके बच्चों,
तो इसकी डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज रेस्ट. इफ एनी बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट्स सेट टू बी इन रेस्ट. तो हम उसको किसने बोलेंगे कि वो किसमें है, रेस्ट में. आई होप कि आपको रेस्ट भी क्लियर हो गया होगा. ओके बच्चों, हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो गए बच्चों, हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो गए बच्चों, चार टॉपिक. ठीक है, लेट्स सी. अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन अगला टॉपिक है हमारा बच्चों यूनिफॉर्म मोशन. इसको हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. तो लेट्स सी. यूनिफॉर्म मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी स्पीड को चेंज ना कर रहा हो. किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. तो फिर से सुने, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी स्पीड को चेंज ना कर रहा हो तो उसको बोलूंगा मैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में. जैसे हम किताब में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देखेंगे कि एक कार 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. तो इसका मतलब यह है कि उस कार की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म. ओके बच्चों, तो फिर अगला टॉपिक आता है कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है. अच्छा, यूनिफॉर्म को एक बार अच्छे से और समझाऊं. देखें, मैं अपने आप को बताता हूं. मेरे हाथ में सपोज घड़ी है, मैंने घड़ी स्टार्ट की, घड़ी एक सेकंड में मैं चला एक मीटर, फिर अगली एक सेकंड में एक मीटर, फिर अगली एक सेकंड में एक मीटर. तो आप देख रहे हैं मैं हर एक सेकंड में कितना मीटर आगे चल रहा हूं, एक मीटर, एक सेकंड में एक मीटर, एक सेकंड में एक मीटर. तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो मोशन है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म. ओके बच्चों, नेक्स्ट अगला आता है आपका नंबर 6 पर, नॉन यूनिफॉर्म. कौन सा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ध्यान से समझें. सिंपल, समझने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप यूनिफॉर्म मोशन को समझ गए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सेल्फ समझ जाओगे. एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. लेट्स सी, अब देखें, मैंने अपनी घड़ी चालू की, एक सेकंड में एक मीटर, एक सेकंड में 3 मीटर, फिर एक सेकंड में 7 मीटर. तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा हूं मैं. इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करके मैं अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं. तो ऐसा मोशन जिसमें मैं इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, जैसे एक सेकंड में शुरुआत में 1 मीटर, फिर अगली एक सेकंड में 3 मीटर, फिर अगली एक सेकंड में 5 मीटर, ऐसे करके इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. अगला हमारा टॉपिक है बच्चों स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. इनको आप थोड़ा अच्छे से समझें. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. तब तक हमारे बच्चों कितने टॉपिक क्लियर हो गए? 6 टॉपिक क्लियर हो गए. अब हमारा ये नंबर 7 टॉपिक है जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी को. ओके बच्चों, तो समझें स्केलर क्वांटिटी. फिजिक्स में बच्चों क्वांटिटीज को 2 टाइप में बांटा गया है. पहला टाइप होता है स्केलर और दूसरा टाइप होता है वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें ओनली हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, हमको डायरेक्शन बताने की कोई भी जरूरत नहीं होती. फिर से सुने, हमको डायरेक्शन बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. जैसे आपकी मम्मी ने आपको बाजार भेजा और आपसे बोला कि 5 किलोग्राम चीनी लेकर आओ. कितने किलोग्राम? 5 किलोग्राम. तो
तो क्या आपकी मम्मी आपसे ये बोलती है क्या 5 किलोग्राम नॉर्थ वाली लेके आना या 5 किलोग्राम साउथ वाली लेके आना या 5 किलोग्राम ईस्ट वाली लेके आना? ऐसा तो नहीं बोलती। बोल ली क्या बोलती है? 5 किलोग्राम। बोल ली आपको क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। क्या बताती है बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड बताया जाए उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिनको ओनली स्केल किया जाए, जिनको ओनली क्या किया जाए? स्केल। ओके बच्चों, नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेरी गुड। जिसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मेरे को यह बताना पड़ेगा कि वो 5 न्यूटन का फोर्स मैंने डाउनवर्ड लगाया या अपवर्ड लगाया या फॉरवर्ड लगाया या इनवर्ड लगाया। आई हैव टू टेल एट एवरी कॉस्ट। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या बतानी पड़े? डायरेक्शन। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी का आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल होता है टेम्परेचर। जैसे इस कमरे का टेम्परेचर है 27 डिग्री या 25 डिग्री। तो कभी आपने सुना है कि 25 डिग्री नॉर्थ वाला, 25 डिग्री ईस्ट वाला? ऐसा तो नहीं सुना। वहां पर ओनली क्या बताते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बताते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, मैं समझता हूं आपको इससे ज्यादा अभी नाइंथ में पढ़ने की जरूरत नहीं है स्केलर और वेक्टर के लिए, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है बच्चों डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं एक एक करके टॉपिक वाइज आपको सिलेबस समझा रहा हूं जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस से एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं बता रहा मैं आपको, और जो टॉपिक वाइज है उसी हिसाब से चल रहा हूं। अगला टॉपिक है बच्चों नंबर 8 पर डिस्टेंस। नंबर 9 पर है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा, ठीक है बच्चों, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक। अच्छे से समझिएगा, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ओके बच्चों, देखें ये 2 पॉइंट लिए मैंने, ये दिखाई दे रहे हैं आप सबको, वेरी गुड। ये है आपका स्कूल और यह है आपका होम, घर। ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आप स्कूल में हैं, छुट्टी हुई, आप घर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में बारिश हो गई, जगह जगह पानी भर गया, तो आप क्या गए? आप पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर अपने घर पहुंचे। अगले दिन फिर क्या हुआ? फिर स्कूल आए, फिर छुट्टी हुई, फिर अगले दिन बारिश हो गई, फिर आप क्या हुआ? फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे पहुंचे, फिर अगले दिन आप घर पे आए, फिर अगले दिन आप स्कूल गए, फिर से छुट्टी हुई, लेकिन अब स्कूल से फोन आया कि जैसे मैं अपनी बताता हूं कि सर, सुमित सर, घर पे जल्दी आओ। तो मैं घर पे जल्दी पहुंचा, तो जल्दी कैसे पहुंचूंगा मैं, कैसे जाऊंगा मैं? सीधा लाइक दिस। अब यहीं से आपको मैं, तो मैं घर पहुंचने के 3 तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये थर्ड वन, ठीक है। मैं 3 तरीके से घर पे पहुंचा, इन 3 तरीकों से मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर कर दूंगा। लेट्स सी, पहला रास्ता देखें। पहले रास्ते में मैं पहले किधर जा रहा था? इस तरफ। इस पॉइंट पर आकर मैंने क्या चेंज करी? अपनी डायरेक्शन। फिर मैं किधर आया? इस तरफ। इस पॉइंट पर आकर मैंने फिर से क्या चेंज करी? डायरेक्शन। फिर मैं किधर आया बच्चों? इस तरफ। तब मैं अपने घर पहुंचा। ओके बच्चों, अब फिर देखें, यहां से मैं किधर आया? नीचे, ठीक है। यहां से मैंने अपनी क्या चेंज करी? डायरेक्शन। फिर अपनी यहां पर आकर क्या चेंज करी? डायरेक्शन। तो पहले और तीसरे रास्ते में मैंने अपनी बार बार क्या चेंज की है? डायरेक्शन। मतलब
कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता देखें, अब भी मैं कैसे जा रहा हूं सीधे, अब भी मैं कैसे जा रहा हूं सीधे, अब भी मैं कैसे जा रहा हूं सीधे, अब भी मैं कैसे जा रहा हूं सीधे सीधे, और मैं कहां पे पहुंच गया, घर पे। तो ये जो दूसरा रास्ता है, इसी दूसरे रास्ते को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जिस रास्ते में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बच्चों? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर से सुने, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा? जल्दी बताओ। हाँ, दूसरा। तो इस दूसरे रास्ते को ही मैं क्या बोलता हूं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलता हूं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो बाकी के जो दोनों, तीन, जो पहला और तीसरा रास्ता है, इसको मैं क्या बोलता हूं? डिस्टेंस। और इसकी डेफिनेशन होती है द एक्चुअल लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। इसीलिए डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। डायरेक्शन तो होती है, आप देखिए ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो इसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की कैसी डायरेक्शन है? पर्टिकुलर, वो सीधा ही जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? वेक्टर। ओके बच्चों, तो डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और इसके अलावा और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं जो आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे, उन नोट्स को आप अच्छे से देखिएगा। आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा स्पीड। डेफिनेशन से बता देता हूं, एक सेकंड में चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वन सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। यस और नो? यस। देखें इधर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन वन सेकंड, एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये उसकी क्या बताती है? स्पीड। ओके, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। और इसकी बड़ी यूनिट क्या होगी? मीटर की जगह किलोमीटर, और सेकंड की जगह आवर। तो बड़ी यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, तो स्पीड क्लियर हो गया होगा आपको, यूनिट क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो मेरे को एक चीज और बताएं, स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर? सोचो। हाँ, स्पीड किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर, याद रखिएगा। ओके बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड, सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था। देखें आगे नंबर 11, अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। ओके बच्चों, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, तो हमारा नंबर 11 पे टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, लेट्स सी। देखें,
से वही बात, मैंने क्या स्टार्ट किया, अपने हाथ में घड़ी लग रही है, घड़ी से मैंने टाइम स्टार्ट किया, एक सेकंड में एक मीटर डिस्टेंस, फिर अगली एक सेकंड में एक मीटर डिस्टेंस, फिर अगली एक सेकंड में एक मीटर डिस्टेंस, तो हर एक सेकंड में मैं कितनी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, एक मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम इंटरवल। इक्वल नंबर ऑफ टाइम इंटरवल, एक सेकेंड एक मीटर, एक सेकेंड एक मीटर, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ओके बच्चों, अगला टॉपिक आता है हमारा, मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूं, अगला टॉपिक आता है हमारा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म, इसका नाम है नंबर 12, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों मैं आपको पूरा लेक्चर, पूरा आपका चैप्टर बहुत स्मूथली समझा रहा हूं, अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और अगर आपने पूरा वीडियो ओनली दो बार देख लिया तो चैप्टर वन हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपका, इसलिए बहुत गौर से वीडियो को देखें, हेडफोन का यूज करें, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। फिर से सुने, ये मेरे पास एक लाइन है, मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूं, वन एक सेकंड में मैं चला इतना, फिर अगली एक सेकंड में चला इतना, फिर अगली एक सेकंड में चला इतना, फिर अगली एक सेकंड में चला इतना, यहां से यहां तक है ये 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 7 मीटर, और टाइम हमेशा कितना लग रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो आप देखिए, शुरुआत के एक सेकंड में कितना चला, 1 मीटर, फिर अगली एक सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, फिर अगली एक सेकंड में कितना चला, 4 मीटर, फिर अगली एक सेकंड में 7 मीटर। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, आप ही बताओ, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? वेरी गुड, इसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके बच्चों, अगला टॉपिक क्या आपका, इंस्टेंटेनियस। कौन सा टेनियस? इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ध्यान से देखें, गौर से देखें क्या होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस होता है आप घर से अपनी कार लेकर निकले, अपनी गाड़ी लेकर निकले, और आपसे कोई पूछे कि आप जब बाजार में उस जगह थे, पान वाले चाचा के लुक्कड़ की दुकान पे थे, तब आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप कैसे बताएंगे? या फिर आपसे कोई पूछे जब आप रोड पर चल रहे थे, अपने घर से निकलने के 2 घंटे 20 मिनट 3 सेकंड बाद आपकी स्पीड कितनी थी, मतलब वो कौन सी स्पीड पूछ रहा है आपसे, 2 घंटे 20 मिनट 34 सेकंड में जो आपकी स्पीड थी, चौथे इंस्टेंट में आपकी जो स्पीड थी, वो स्पीड आपसे पूछी जा रही है, तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो किसी इंस्टेंट पर पूछी जाए कि उस वाले सेकंड में आपकी कितनी स्पीड थी, या उस वाले टाइम पे आपकी कितनी स्पीड थी। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखें इसका फॉर्मूला, देखें इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, लिमिट लगाते हैं। ये लिमिट क्या होती है, ये आप 11th 12th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, अभी बस आपको याद रखना है। इसका लिमिट ऐसे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो हमने यहां पर टाइम लिया है ना, वो टाइम का जो डिफरेंस है वो काफी कम है, इतना कम कि वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर, लेकिन जीरो नहीं है, लेकिन जीरो नहीं है, वो है 0.0001, 0.0001, 0.0000001, लेकिन वो जीरो नहीं है। ओके बच्चों, आई होप कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको क्लियर हो गया, और बेसिकली आपको याद रखना है किसी के इंस्टेंट पर पूछी जाए।